नमस्कार, मैं बहराज और आप देख रहे हैं बीके न्यूज। देश के कोने कोने से आए दिन महिलाओं के साथ हो रही बदसलूकी, तरह तरह के अपराधों की खबरें सामने आती रहती हैं। कभी एसिड अटैक, कभी मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में एक और वारदात सामने आई है जिसमें फिर एक मासूम नाबालिग को हवस बुझाने के लिए एक हैवान ने अपना शिकार बनाया है। लेकिन ये मामला बाकी मामलों से काफी अलग है। जी हाँ, एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में नाबालिग बच्चे के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। वही मामला सच साबित करने के बाद आरोपी महिला को उस समय जेल भेज दिया गया जब वो उल्टा नाबालिग बच्चे के खिलाफ शिकायत लेकर आईजी के पास पहुंची थी, जिसके बाद आईजी ने महिला को गिरफ्तार कराया और जेल भेज दिया। आइए अब आपको पूरी खबर की तह तक लिए चलते हैं। दरअसल जानकारी के मुताबिक लखनऊ ग्रामीण के मलिहाबाद थाने के अंतर्गत नेहा नाम की एक महिला के खिलाफ पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था। नाबालिग बच्चा नेहा के घर पर टीवी देखने गया था। इस दौरान आरोपी ने बच्चे के साथ अश्लील हरकतें की और उसके प्राइवेट पार्ट में लात भी मार दी, जिसके चलते बच्चे को गंभीर चोटें भी आई। बच्चे के परिजनों ने छेड़छाड़ सहित अन्य मामलों में मलिहाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर नेहा से पूछताछ करने लगी थी, लेकिन इससे पहले ही आरोपी नेहा एजी रेंज लक्ष्मी सिंह के यहां पहुंचकर उल्टा नाबालिग बच्चे के खिलाफ मारपीट और धमकी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने के लिए फरियादी बनकर पहुंची थी। इस दौरान महिला को पहचान कर आईजी रेंज लखनऊ ने महिला पुलिसकर्मी बुलाकर उसकी गिरफ्तारी करवा दी और आरोपी महिला को जेल भेज दिया। वही मामले की जानकारी देते हुए लक्ष्मी सिंह आईजी रेंज लखनऊ ने बताया कि नाबालिग बच्चे की शिकायत आई थी। आरोपी बहुत दिनों से बचने की कोशिश में थी, लेकिन मंगलवार को वो खुद उल्टा मुकदमा लिखवाने आई थी, लेकिन मलिहाबाद पुलिस को बुलाकर उनको हवाले कर दिया गया। आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो देखा आपने, अभी तक तो महिलाएं और बच्चियों को किसी हैवान का शिकार बनते हुए देखा होगा और ऐसी खबरें भी आपने सुनी होगी, लेकिन अब तो लड़कों को भी नहीं बख्शा जा रहा है और महिलाएं भी दहशत की रास्ते पर निकल पड़ी हैं। इस खबर पर और यूपी पुलिस की इस निष्पक्ष कार्रवाई पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें बीके न्यूज़। धन्यवाद।